दोस्तों, जरीन खान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, मगर फिर भी कभी सिर उठाकर जी नहीं पाई। जी हाँ, जरीन खान को बॉलीवुड में पैर रखे 11 साल हो चुके हैं, मगर उनके खाते में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है दोस्तों जो कि ए ग्रेड की कही जा सके। वीर फिल्म ने उनकी किस्मत चमकाने के बजाय डुबोने का काम किया है। सलमान खान और वीर फिल्म के मेकर्स की बदौलत जरीन खान अपना वो सब कुछ भी गंवा बैठी जिसके लिए एक लड़की जानी जाती है, और इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस जरीन खान ने ही किया है। जरीन खान ने हालिया दिए इंटरव्यू में सलमान खान को लेकर इतना कुछ कह दिया कि अगर खुद सलमान अपनी हकीकत को सुन लेंगे तो शर्म से डूबकर मर जाएंगे। जरीन ने बताया कि वीर फिल्म में काम के बदले सलमान खान और मेकर्स ने उनके सामने ऐसी डिमांड रखी थी जिसे मजबूरी में उन्हें पूरा करना पड़ा, वरना वो किसी और को कास्ट कर लेती। जरीन का कहना है कि जैसे ही मैंने उनकी डिमांड पूरी की तो पूरे बॉलीवुड में मेरा नाम खराब हो गया और मीडिया वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और ये सब सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ। तो और क्या कुछ कहा जरीन खान ने सलमान को लेकर आपको बताते हैं सब। आप भी अगर बॉलीवुड के इस गुंडे का बायकॉट करते हैं और सुशांत का भी बदला लेना चाहते हैं इससे, तो चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जरीन खान ने कहा, साल 2010 में सलमान खान के साथ वीर फिल्म में काम करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरा परिवार गरीब था इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था। तो मैंने सोचा कि मॉडलिंग के जरिए थोड़ा पैसा जोड़ती हूँ और फिर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करूंगी। इसी बीच हमारे बॉस के कहने पर मैंने 2-3 फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन सलमान खान की वीर फिल्म के लिए हो गया, क्योंकि मेरे लुक्स कुछ कुछ कटरीना कैफ से मिलते थे। मगर सलमान खान और मेकर्स ने मेरे सामने शर्त रखी कि इस फिल्म के लिए मुझे अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। अब वीर फिल्म की रिलीज के बाद बॉडी शेमिंग का सामना करने वाली अभिनेत्री जरीन खान ने दावा किया है कि वास्तव में उन्हें एक्सपीरियंस्ड लोगों द्वारा इस रोल के लिए वजन बढ़ाने के लिए उकसाया गया था। जरीन ने कहा, जबकि मुझे बाद में पता चला कि इस रोल के लिए वजन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया। जरीन ने कहा कि सच में ये इंडस्ट्री एक लड़की को सिर्फ लुक्स के आधार पर जज करती है, और मेरे बढ़े हुए वजन के बाद तो मीडिया में मेरी खूब मजाक उड़ी। जरीन ने इंटरव्यू में कहा, ये निश्चित रूप से कहूंगी कि बॉलीवुड एक ऐसा वर्ग है जहां पर आपका शरीर, आपका बदन सब कुछ होता है, और मेरा बढ़ा हुआ वजन तो वीर फिल्म के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। जरीन का कहना है कि वीर फिल्म में सलमान के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के बाद लोगों ने मुझे तुरंत कटरीना कैफ की कॉपी कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबका ध्यान मेरे काम पर नहीं बल्कि मेरे शरीर पर गया, और बढ़े हुए वजन ने मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जरीन ने बताया, हर कोई सिर्फ मेरे वजन के बारे में बात कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा वजन आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, जबकि मैंने तो सलमान खान के कहने पर अपना वजन बढ़ाया था। जरीन का कहना है कि जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री की तो मैं एक खोए हुए बच्चे की तरह थी, 20-21 साल की थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं था, मुझसे जैसा कहा गया मैंने वही किया। जरीन ने कहा कि मीडिया में उस वक्त मेरा इतना मजाक बन चुका था कि मैं जहां भी फिल्म के लिए काम मांगने जाती वहां पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मुझे बढ़े हुए वजन के लिए भद्दे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा, और ये सब सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ। जरीन ने दावा किया है कि इसके बाद उन्होंने सलमान खान से दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा यही रिप्लाई मिला कि सलमान अभी नहीं है, सलमान अभी शूट पर हैं या फिर मीटिंग में हैं। जरीन का कहना है कि मैं दोबारा कभी सलमान खान से मिल ही नहीं पाई और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो भी एक नाजायज जिद की वजह से। जरीन ने यहाँ पर इशारों में कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक साजिश रची गई थी, मेरे कटरीना कैफ के लुक्स की वजह से मुझे सिर्फ एक फिल्म के लिए बॉलीवुड में एंट्री मिली थी और इसके बाद मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देना तय था, और शायद इसी वजह से मुझे जबरदस्ती वजन बढ़ाने को कहा गया, क्योंकि वजन बढ़ी हुई एक्ट्रेस को कोई भी अपनी फिल्म में लेना पसंद नहीं करता, और सच में मेरे साथ यही हुआ। मैं ए ग्रेड की फिल्मों से धीरे धीरे दूर चली गई और मेरे खाते में ऐसी ऐसी फिल्में आ गई जिनको मैं कभी नहीं करना चाहती थी,
लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे ये सब फिल्में करनी पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में जरीन के साथ भी सलमान खान ने धोखा किया, उन्हें वजन बढ़ाने के लिए जबरदस्ती उकसाया गया? बॉलीवुड में लड़की को सिर्फ लुक्स के आधार पर जज किया जाना कितना जायज है दोस्तों? कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जब से सुशांत का केस सामने आया है तब से लगातार सलमान खान पर भी कई सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये अब तक फैंस के आरोप थे। अब तक सलमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन आपको बता दें कि अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब सच में सलमान एक आरोपी के तौर पर निकल कर सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सलमान के खिलाफ भी सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं इन बड़े बड़े बॉलीवुड दिग्गजों को इनके औकात दिखाई जाए, इन्हें सबक सिखाया जाए, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारी ताकत बनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सलमान खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बॉलीवुड में बढ़ते हुए ड्रग के खुलासे देख बिना पूछे जैसे सलमान के वकील ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सलमान खान का क्वेन कंपनी से कोई नाता ही नहीं, पर ऐसे कई सारे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है कि सलमान का इस कंपनी से कहीं ना कहीं कोई नाता जरूर है। सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं सलमान खान के खुद के किए हुए ट्वीट को, जिसमें उन्होंने खुद ही लिखा है अपनी कंपनी यूबीटी को लेकर। आपको बता दें दोस्तों कि सलमान खान की यूबीटी कंपनी ने बाद में बिग बैन मीडिया वेंचर्स के स्टेक या शेयर लिए जो ओन करता है क्वेन कंपनी। यही नहीं, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जहां सलमान खान की क्वेन कंपनी में ओनरशिप होने की बात लिखी हुई है, वो भी 2018 में। इसे देख फैंस एक ही सवाल कर रहे हैं कि 2018 में जब उनके लिए क्वेन के ओनरशिप की बात छपी थी तब तो सलमान खान ने कुछ भी नहीं कहा था, पर आज बिना पूछे ही क्यों ऐसा कह रहे हैं, बिना पूछे ही क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं? इससे पता चलता है कि एनसीबी का क्वेन कंपनी में कहर देखकर पहले ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस खुलासे के बाद अब आप सलमान खान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे ड्रग माफिया में सलमान खान का भी कनेक्शन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।